अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम हाई कॉइन का एनालिसिस, इसकी अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह डिटेल के अंदर कवर करेंगे। मज़ीद हम बात करेंगे कि हाई कॉइन की प्राइस ने जो है अपना डेली और वीकली जो इसका एक लेवल बनता था ना वीक वाला, उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब इसकी प्राइस मज़ीद हमारे पास डाउनवर्ड के अंदर कितना डंप करेगी और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है अब दोबारा इसकी प्राइस बाउंस बैक कर सकती है और हम जो है इसके ऊपर लॉन्ग की पोजिशन वगैरह जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, हर चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें, दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, हाई स्ट्रीट हाई कॉइन के ओवरव्यू की बात की जाए तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस वक्त आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 6% तक इसकी प्राइस ऑलमोस्ट ड्रॉप हुई है। 87 मिलियन डॉलर इसका रिमेनिंग मार्केट कैप रह गया, 18 मिलियन डॉलर इसका वॉल्यूम है पड़ा। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चले जाएं तो टीम इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पड़ी, काफ़ी सारी ये एयर ड्रॉप्स वगैरह कर रहे हैं। वैसे कोई खास न्यू अपडेट वगैरह जो है हमें देखने को नहीं मिले। इसके लिक्विडेशन मैप की तरफ जाएं तो अपर साइड की लिक्विडेशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 1.46 मिलियन डॉलर, जबकि डाउनवर्ड की लिक्विडेशन को देखा जाए तो हमारे पास 1.55 मिलियन डॉलर। कोई खास डाउनवर्ड और अपर साइड की लिक्विडेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड की लिक्विडेशन हमारे 1.55 सेंट के ऊपर देखने को मिल रही है। अब इसको जो है हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से देखना शुरू करते हैं। अगर आप इसके वीकली चार्ट के ऊपर चले जाएं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वीकली चार्ट के ऊपर जो है इस वक्त चौथा हफ्ता यानी कि 4 वीक्स हो गए हैं कि इस टोकन की प्राइस हमारे पास रेगुलरली जो है वो डाउनवर्ड के अंदर ही डंप कर रही है। ठीक है, ये देखें 4 वीक्स हो गए हैं इसकी प्राइस रेगुलरली डाउनवर्ड को डंप कर रही है और हम जो है इस आश्रय के अंदर बैठे थे कि इस वीक को जो है होल्ड करके इसकी प्राइस जो है वो अपवर्ड को बाउंस बैक करेगी। और एग्जैक्टली वो सिनेरियो हुआ भी था, लास्ट वीक के अंदर जो है इसकी प्राइस ने पहले यही वीक लगाई डाउनवर्ड की और उसके बाद जो है अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिली थी, लेकिन इस वीक के अंदर जो है इसने ये वाला एरिया भी ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जो है अगर आप पीछे थोड़ा सा जाकर प्रीवियस हिस्ट्री की कोई फिब का की लेवल्स निकालते हैं तो आपके पास जो है 1.65 सेंट वाला एरिया जो है वो एक की लेवल निकल कर आता है, 0.78 सेंट वाला एरिया। और वही एरिया जो है अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री के अंदर जो है पहले भी 2-3 कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो वीकली इसी एरिया के अंदर हुई हैं। तो हम जो है इस एरिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी कंसिडर कर सकते हैं और यही एरिया जो है हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 1.55 सेंट जो कि हमारे पास लिक्विडेशन एरिया है, सेम वही एरिया जो है हमारे पास अब लिक्विडेशन एरिया भी बनता है। तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स पर जो है आपको ये जो येलो बार मैंने लगाई है ये हमारे पास जो है अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेगी और सेम एरिया जो है यही वाला एरिया, ठीक है, सेम एरिया जो है यही वाला एरिया जो है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के तौर पर कंसीडर कर सकता है, कर सकते हैं हम। जिस तरह इस वक्त BTC जो है हमें थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, अगर BTC यहाँ पर उसकी प्राइस डाउनवर्ड के अंदर डंप करती है तो हाई कॉइन की प्राइस भी जो है वो हमारे पास मज़ीद डाउनवर्ड के अंदर डंप कर सकती है। और अगर हमारे पास डेली कैंडल की क्लोजिंग हाई कॉइन की जो है इसके इस वाले लेवल से बिलो की होती है तो हम जो है मज़ीद हाई कॉइन की प्राइस के अंदर डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो मैं ट्रेड रिकमेंड करूंगा वो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है थोड़ा बहुत अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 या 10% हिस्से से जो है अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल नज़र आता है 1.65 सेंट वाले एरिए के ऊपर या फिर जो है इसकी प्राइस ड्रॉप करके 1.50 सेंट वाले एरिए के ऊपर जो है आपको पोटेंशियल शो करती है तो आप जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है हाई कॉइन के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इस वक्त वेल्स की नज़र के अंदर आता है तो इसकी प्राइस जो है वो फिर अच्छा खासा हमारे पास जो है पंप कर सकती है और हम जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे यकीनन। और यहाँ पर जो है हम अपनी ट्रेड जो है वो बिल्ड करेंगे, इसके अंदर एक पुल बैक जो है वो लाजमी आने के चांसेज हैं पड़े क्योंकि पिछले 4 हफ्तों से रेगुलरली इसकी प्राइस डंप करी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक जो है इसकी प्राइस के अंदर आ सकता है जो कि 20-30% का हो सकता है। पर्सनली अगर मैंने कोई ट्रेड वगैरह ली तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है पड़े, मेक श्योर करके उसे लाजमी से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के अंदर रेगुलरली लॉसेज वगैरह कर रहे हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर रब्ता करके भी आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।